जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज क्लास राजस्थान की सभी परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज क्लास में राजस्थान से संबंधित चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं जो राजस्थान की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऑप्शन ए दर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी बागोर। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी के बागोर। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए चंड प्रघोत, ऑप्शन बी विराट, ऑप्शन सी अजात शत्रु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर टू का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी के विराट। अब चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, ऑप्शन ए कर्नल टोड, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी जॉर्ज तामर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर तीन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के जॉर्ज तामर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चार। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, ऑप्शन ए कर्नल टोड, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी जार टॉमस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर चार का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के कर्नल टोड। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पांच। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन बी मुनिजीत विजय, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर पांच का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के पंडित झाबरमल शर्मा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह की ओर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, ऑप्शन ए नीमच छावनी, ऑप्शन बी एनिनपुरा छावनी, ऑप्शन सी देवली छावनी या फिर ऑप्शन डी नसीराबाद छावनी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर छह का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी के नसीराबाद छावनी। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सात। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था, ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के करौली। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आठ। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, ऑप्शन ए पहाड़ी प्रदेश का, ऑप्शन बी वन प्रदेश का, ऑप्शन सी मैदानी प्रदेश का या फिर ऑप्शन डी पठारी प्रदेश का।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के पहाड़ी प्रदेश का। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी हाड़ौती पठार, ऑप्शन सी घग्गर मैदान, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी मरुस्थल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी के पश्चिमी मरुस्थल। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए लोभी मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी बलुई मृदा, या फिर ऑप्शन डी चिकनी मृदा। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के बलुई मृदा में। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी बनास, या फिर ऑप्शन डी कोठारी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के बनास। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सांभर, ऑप्शन बी लून करनसर, ऑप्शन सी पंचपंद्रा, या फिर ऑप्शन डी डीडवाना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के सांबर झील। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, ऑप्शन सी अतिचारण, या फिर ऑप्शन डी वनोन्मूलन। साथियों एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, ऑप्शन सी अतिचारण, या फिर ऑप्शन डी वनोन्मूलन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के अतिचारण। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी जैसलमेर, या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के जैसलमेर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान का प्रमुख खनिज है? ऑप्शन ए सीसा व जस्ता, ऑप्शन बी मैंगनीज व टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा व एस्बेस्टस, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए सीसा व जस्ता। तो साथियों ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर तथा लाइक करना ना भूले। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।